नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण क्लास सही तरीके से चल नहीं रही थी और पूरी क्लास हो भी नहीं पाई थी। उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उसी की तीसरी क्लास, वर्णमाला श्रृंखला की। और इसमें हम लोग जो लेके आए हैं सीरीज़, वो उल्टी सीरीज़ है हमारी, Z2A के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसमें आपने सीधी सीरीज में पढ़ा था, इधर हमारा बायां छोर होता था और ये होता था दायां छोर। अगर दोनों सीरीजों में हम तुलना करें, पहले हम A to Z लिख रहे थे, अब Z to A अगर सीरीज लिखी हो, प्रश्न ऐसे आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर। मान लीजिए मैं एक पहला प्रश्न लेता हूं, यदि अंग्रेजी वर्ण माला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, इतना स्टेटमेंट आपको हर प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा। अब इसी तरीके से बार बार ना लिखते हुए हम करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं सातवां होगा? कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर के बाएं सातवां होगा? तो प्यारे बच्चों, इसको करने का तरीका हम लोग बताया था आपको, आंसर कहाँ से आएगा? आंसर दाएं से आएगा। तो दाएं से पांचवा के बाएं अपोजिट डायरेक्शन प्लस होगी, के दाएं माइनस के बाएं सात, 5 3 ये सारा हो गया। तो ये आंसर आया दाएं से 5 3 8 और 7 15, 15 में से हो गया 13। आंसर आया दाएं से 13। अगर सीरीज सीधी होती तो हमें चेंज करना पड़ता। सीरीज उल्टी होने से क्या हुआ, अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने से ये हुआ कि जो हमारा दायां छोर था वो बायां छोर हो गया, जो बायां छोर था वो दायां छोर हो गया। यानी कि सीधा सा अर्थ इस बात का इतना है कि अगर हम ABCD सीधी भी लिखे रहने देते, ABCXYZ, तो सिर्फ हम छोर बदल देते तो भी हमारा काम चल जाता। इसको हम दायां छोर कर देते और इसको बायां छोर कर देते। ABCD को उल्टे क्रम में लिखने का मतलब हमने केवल उसके छोर बदल दिए, दायां छोर बायां छोर हो गया, बायां छोर दायां छोर हो गया।
तो ऐसे आंसर निकाल लिया। और जब दाएं छोर से बात आ रही है इसका मतलब फिर हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा बाय में, क्यों? क्योंकि हमने एबीसीडी को उल्टे क्रम में लिखा हुआ है। अगर वर्णमाला उल्टे क्रम में है तो दाएं ओर से एबीसीडी स्टार्ट हो रही होगी और बाएं ओर पे समाप्त हो रही होगी। क्लियर? या इसका एक दूसरा तरीका और भी होता है कि आप सीधी वर्णमाला से निकालने की अगर आदत आपकी है तो आप जितने भी दाएं को बाएं और जितने भी दाएं हैं उन सबको बायां कर दीजिए और जितने भी बाएं हैं उन सबको दाएं से चिन्ह कर दीजिए। जैसे कि इसी को मैंने ये बायां रहा तो अब दायां है, दाएं की जगह क्या पढ़ेंगे इसको बाएं से पांचवा, तो आंसर कहाँ से आएगा? बाएं से पांचवा। अब के बाएं है तो ये पलट के दायां हो जाएगा, दायां तीसरा। के ये दायां है तो ये पलट के बायां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो माइनस दो। अब के बायां है काट के दायां कर दो तो आ जाएगा पांच तीन आठ और सात पंद्रह, पंद्रह में से दो गया तेरह बचा और आंसर आया बाएं से तेरवा। ये सीधी वर्णमाला में क्या होता है? यम। चाहे जैसा क्रम दिया गया है वैसे निकाल लें आंसर। निकालने के बाद हमें ये ध्यान रखें कि आंसर अगर दाएं से आ रहा है तो एग्जैक्ट आंसर होगा, बाएं से होगा तो पलट दें। या अगर वर्णमाला को पलटा है हमने तो सीधी सी बात यह है कि उसके इंड बदल जाते हैं, उसके छोर बदल जाते हैं, तो क्यों ना हम भी जहां जहां प्रश्न में दायां दिया गया है उन सबको बायां कर दें और जहां जहां बायां दिया गया है उन सबको दायां कर दें। अगर आपको इसमें कुछ असुविधा हो रही है तो आप इससे कर सकते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो आप फिर यहाँ से कर सकते हो। चलिए आज का दूसरा प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा तेजी से प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न, कौन सा अक्षर दाएं से दसवें के बाएं सातवें के दाएं चौथा होगा? आंसर कहां से आ रहा है? आंसर हमारा दाएं से आ रहा है, दाएं से दस के बाएं प्लस सात माइनस चार, दस सात सत्रह, सत्रह में चार गया तेरह, दाएं से तेरवा यम आ गया। वाह क्या सही होगा, ठीक। या आप चेंज करोगे तो ये बायां आंसर कहां से आना है? बाएं से पहले दस दिया गया है, फिर दाएं से सात और बाएं से चार, तो दस सात चौदह में से तीन गया तेरह, बाएं से तेरह भी यम होगा। ये सीधी वर्णमाला में है, इसको हमने ए टू जेड ले लिया तब निकाला, ये हमारा जेड टू है, उसने जो बोला उसी हिसाब से निकाल दिया। अगला तीसरा, कौन सा अक्षर दाएं से आठवें के बाएं पांचवें के दाएं तीसरा होगा? तो आठ प्लस पांच, दाएं से बाया आंसर कहां से आएगा? दाएं से आठ पांच माइनस तीन, आठ पांच तेरह, तेरह में से पांच गया दस बचा, दसवां किधर से आया? दाएं से। अब दाएं से दसवां है, ए बी सी डी विपरीत क्रम में है, ये बात मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, ये ऊपर लिखी हुई है स्टेटमेंट में, आपको इसे ध्यान रखते हुए प्रश्न करने हैं। अब जो भी प्रश्न आज हम लोग कर रहे हैं वो इसी क्रम से कर रहे हैं, अगर बदलेगी कंडीशन तो हम उसको बताएंगे। अभी जो भी प्रश्न हल कर रहे हैं वो सारे बाएं वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर ही हम कर रहे हैं, ठीक है? तो आंसर आ गया दाएं से वर्मा क्या होता है? जे। आज का अगला क्वेश्चन चौथा फटाफट करते हैं, कौन सा अक्षर बाएं से आठवें के दाएं
तीसरे के बाएं, चौथे के दाएं, पांचवा होगा। आंसर कहां से आना है? बाएं से आना है। अब बाएं से 8 + 3 के बाएं, तो -4 और +5, तो 8 × 3 = 11, 11 + 5 = 16, 16 में से 4 = 12। 12वां आ रहा है, किधर से आ रहा है? 12 12 बाएं से आ रहा है। अब हमें पता है कि वर्णमाला पलटी हुई है, तो बाएं से 12वां जो होगा वो दाएं से 27 - 12 15 होगा, और 15 को हम जानते हैं क्या होता है, ओ। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं फटाफट, देरी ना करते हुए। कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं, चौथा के दाएं, नवा के बाएं, 11वां होगा? अब आंसर कहां से आना है? आंसर दाएं से आना है। दाएं से पांचवें के बाएं चौथा, के दाएं नवा, के बाएं 11वां। तो 5 9 4 9 कट गया, 11 आ गया। दाएं से 11वां हम जानते हैं, एबीसीडी सीधी है। अब सीधी है तो आंसर के फॉर काइट, किंग्स इलेवन। क्लियर। चलिए एक प्रश्न का आप आंसर करेंगे इसी का, और इसके लिए प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं, आठवें के दाएं, पांचवें के बाएं, नवा होगा? आंसर कहां से आना है? बाएं से आना है। पांचवें के दाएं 8वां, के दाएं 5वां, के बाएं नवा। ठीक है, तो 8 5 13 10 23, 23 में से 9 हो गया, 12 बचा, और बाएं से 12 जो कि क्या होगा, दाएं से 27 - 12 यानी कि 15, और 15 का मतलब ओ। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, अब आज जो है हम आज की अगली सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि यदि अंग्रेजी वर्ड माला में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो पहला प्रश्न, कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरे के दाएं चौथा होगा? कौन सा अक्षर बाएं से
तीसरे अक्षर के दाएं, दूसरे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर होगा। क्लियर है? वेरी गुड। पहले तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि सीरीज कौन सी बन रही है। ये जैसे मान लीजिए ABCD लिखी मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई डा डा डट डब्लू एक्स वाई जेड, ये सीरीज है। अब क्या कह रहा है? बहुत सारे बच्चे यहां सीरीज बनाने में ही गड़बड़ कर जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। उन्होंने ए से आरंभ करते हुए बोला, वो पहला अक्षर डी काट देते हैं। जब बोला ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देना है, तो शुरुआत कहां से करनी है? ए से ही हटा देनी, ए काटना है, फिर सी काटना है, फिर ई काटना है, फिर जी काटना है, आई काटना है, ऐसे ही इधर ये काट दिए। तो कौन सीरीज बनी हमारी? सीरीज बन गई हमारी वी डी एफ डॉट डॉट एक्स जेड। अगर नंबर डालें तो क्या बन रहा है? 1 2 3 डॉट डॉट 12 13। भाई 13 26 अक्षर हैं, अगर हम प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं तो 13 अक्षर हट जाएंगे। 13 बच्चे नंबर डाला तो ये बी जो है ये इस क्रम में, इनके वास्तविक नंबर क्या है? इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 24 हो गया, इसका 26 हो गया। तो एक बात जो अच्छे से समझ में आ रही होगी आप लोगों को भी कि सीरीज तो ये सम वाली बन रही है। कौन सीरीज बन रही है? सम वाली सीरीज बन रही है, सम अक्षर वाली सीरीज। इसको पेपर में ऐसे भी बोल सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, दूसरे अक्षर के दाएं चौथा होगा। तो पहले तो सीरीज बनानी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ए से नाश्ता करते हुए दूसरे अक्षर बी से काटना शुरू करते हैं और वो विषम सीरीज बना देते हैं, और विषम सीरीज बनाते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखो जो बी पहले स्थान पे है इसका ओरिजिनल रैंक कितना है? 2। जो डी दूसरे स्थान पे ओरिजिनल रैंक कितना है? 4। जो एफ तीसरे स्थान पे उसका ओरिजिनल रैंक कितना है? 6। यानी कि जो भी अक्षर है वो अपने नंबर के दुगने स्थान पे है, हमारी अल्फाबेटिकल में अपने नंबर से दुगना है, है ना दुगना। तो इधर भी 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यानी किसी नंबर की जो रैंक है, रैंक का दुगना जो है वो उसका रियल स्थान है, वास्तविक स्थान है। क्लियर है? चलिए तो अब देखो इसमें कौन सा अक्षर बाएं से, तो बाएं से तीसरे के दाएं, दूसरे के दाएं चौथा, 3 2 5 4 9। अब आंसर बाएं से नवा आया है और बाएं से नवा हम जानते हैं कि सीधी वर्णमाला है, और बाएं से नवा जो भी अक्षर होगा अगर उसको हम दुगना कर दें तो वास्तविक स्थान उसका होगा तो 9 × 2 18। 18 को हम जानते हैं बेहतर तरीके से कि ये आर होगा। क्या होगा? आर होगा। नहीं समझ में, एक बार फिर देखिए कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं, दूसरे अक्षर के दाएं चौथा होगा। तो बाएं से तीसरा 2 3 + 2 5 4 9, नौवां अक्षर आया इस सीरीज का। जो नौवां अक्षर होगा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरा है तो 3 × 2 = 6 हो गया, ऐसे ही नौवां अक्षर 9 × 2 = 18, 18 का मतलब आर होगा। ठीक है चलिए। अच्छा अगर यहां आपको डायरेक्शन चेंज करनी हो तो कितने से माइनस करेंगे? अक्षरों की कुल संख्या प्लस 1, 13 + 1 यानी कि 14 से माइनस करेंगे। हाँ तो अगला क्वेश्चन इसी बात पे कर लीजिए। इस पे नेक्स्ट कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवें अक्षर के दाएं तीसरा होगा? तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं सातवें अक्षर के दाएं तीसरा होगा? एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो भी प्रश्न है
ये सम सीरीज के प्रश्न हैं जो मैंने बता रखा है। तो अब देखिए दाएं से आंसर कहां से आना है हमारा, दाएं से आना है, तो दायां लिखा, दाएं से पांचवें के बाएं, अपोजिट डायरेक्शन प्लस होनी है, सात के दाएं तीन, लास्ट में दाया है तो ये माइनस हो जाएगा, सात पांच बारह, बारह में से तीन गया नौ, आंसर हमारा आ रहा दाएं से नमाक्षर। दाएं से नमाक्षर जो होगा अगर हम तो अपोजिट, अब क्या करना पड़ेगा, रैंक निकालनी पड़ेगी हमें बाएं से, दाएं से नहीं याद कर सकते, तो बाएं से याद करने के लिए क्या करना होगा हमें, बाएं से 14 - 9 = 5, तो बाएं से पांचवा कौन सा होगा, दो से गुणा करेंगे आंसर आ रहा होगा जे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग इसकी दूसरी सीरीज जो आगे से पार्ट वो लेके आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं और पढ़ाया हुआ समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी इस सीरीज़ का अगला